वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 5 प्ले थिंग का एक्सरसाइज वीडियो करने। और इसे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने लेसन नंबर 4 तक सभी का क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करा दिया है। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग, बच्चा कहाँ बैठा था। तो बच्चा कहाँ बैठा था, इसका जो आंसर है द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। ओके, ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ, बच्चा किसके साथ खेल रहा है। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विंग, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं विच एक्टिविटीज वॉज द पोएट बिजी इन, किस प्रकार के कार्यों में कवि व्यस्त था। The poet was busy in adding up figures while doing his accounts. Next question है what has the poet forgotten, कवि क्या भूल चुका है। The poet has forgotten the art of getting absurd in the play of stick and mud pies. वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है what did the poet struggle to cross, कवि क्या पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसका आंसर है The poet struggled to cross the sea of his desire in his weak canoe. तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं What do you understand by the phrase the sea of desire? आप इस वाक्यांश से क्या समझते हैं, इच्छाओं का सागर। तो इसका आंसर है Every grown-up man seek many desire and keeps roaming on his weak boat. Trying to fulfill all desire that are a never ending sea. ओके, ये इसका आंसर है पूरा। कुछ पीछे रह गया उसको भी एक बार देख लीजिएगा बैक करके। तो यहाँ पर जो है ये पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं वर्ड पावर में। वर्ड पावर में यहाँ पर हमें जो है 2 राइमिंग्स लिखने हैं। वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी 2 राइमिंग लिखनी है। राइमिंग क्या होती है, सेम टू सेम टोन देने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें राइमिंग कहा जाता है। तो जैसे डस्ट है, डस्ट का सेम टोन रस्ट मस्ट, आवर का फॉर कार, थिंक का विंग ड्रिंक, सीक का मीक स्लीक। ओके, तो ये इसके जो है कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इस तरह जो है इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।